तू तो ऐसे मुंह लटका के बैठी है जैसे मैं कोई ब्याह करने जा रहा हूँ। जानती हूँ तू शहर मेहनत मजदूरी करने जा रहा है। तो जब जानती है तो फिर नाराज क्यों हो रही है? जब मेहनत मजदूरी यहाँ भी हो सकती है तो इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? ओए तुझे नहीं पता, और शहर की कमाई की बात अलग होती है, और मैं इतना कमाना चाहता हूँ, इतना कमाना चाहता हूँ कि तुझे मैं राज कराऊं, लोग तुझे रानी बोले और तेरी सहेलियां तुझ पे रश खाए। वो तो ठीक है, मगर तुझे देखे बगैर मुझे चैन कहाँ आता? मेरी सारी सहेलियां मुझे तेरी दीवानी कहकर छेड़ती रहती। मुझे भी चैन नहीं आता तुझसे मिले बगैर। सुन, एक दो साल की बात है, फिर आ जाऊंगा। खत्म। सच? अरे उतर उतर भाई, से जल्दी जल्दी उतर 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 उतर, बैठो भाई बैठो। जरी तो फिक्र ना कर, बस एक काम करके मैं वापस गांव आ रहा हूं और वहीं जमीन लेकर जमींदार बन जाऊंगा, और फिर मैं और तू हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है, टच। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही? तू शहर जाके वाकई बदल, बिल्कुल शहरी बन गया रे। लगता है बड़ी कमाई है तेरी शहर। तू छोड़ कमाई माई को, ये बता तू कैसी है? पल पल गिन कर एक साल तेरे बगैर गुजारा, अब तू नहीं जाएगा। दो दिन के लिए आया हूँ तुझसे मिलने, तेरी याद जो सताती हूँ। मतलब तू फिर चला जाएगा मुझे छोड़? अरे एक साल तूने गुजार लिया, एक साल की और बात है, वो भी गुजर जाएगा। एक साल और तेरी याद के सहारे गुजारना पड़ेगा? तो मैं भी तो तेरे यादों के सहारे गुजारता हूँ। ऐसे क्या घूर रही है? नहीं बस कुछ नहीं। तेरी आंखों में प्यार के साथ साथ कुछ और भी है, बता क्या है? अनवर तू करता तो शहर में मजदूरी, मगर तेरे ठाट बाट तो मजदूरों जैसे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे कुछ सेठ है तू। मेरी सहेली नजमा का शोहर भी शहर में मजदूरी करता है, मगर उसके ठाट बाट तो तेरे जैसे नहीं। तू भी बड़ी बोली है। हाँ मैं शहर गया था मजदूरी करने के लिए, लेकिन वहाँ एक सेठ साहब मिल गए, भला आदमी है, उसके ड्राइवरी की नौकरी करने लगा। वो बड़ा ख्याल करता है मेरा, पैसे भी अच्छे देता है, तो बस रहा हुलिया टाइट करके रखना पड़ता है ना। वाकई तू सच बोल रहा है, तू कोई गलत काम तो नहीं करता ना, तू सच कह रहा है। पकली तुझे अपने अनवर पे भरोसा नहीं है? और जाते वक्त ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों जहन में डाल रही है? अब जाने का वक्त आ गया, मुस्कुरा दे और अब जा, तेरा अब्बा तुझे ढूंढता होगा, जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है? बेचारी जरी समझ रही है मैं शहर में मेहनत मजदूरी करके
शादी के लिए पैसे जमा कर रहा हूं। बस अब मैं इसको मजीद धोखे में नहीं रखना चाहता। आखिरी बार एक लंबा हाथ मार के इस काम को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कर दूंगा। यह है अपना मंसूबा। और एक बात मैं तुझे बता दूं फजल, कि हमने इस प्लान पे ना कदम बा कदम बहुत सोच समझ के चलना होगा। इसमें गुंजाइश नहीं है कोई गड़बड़ करने की। बहुत बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अबे सर क्यों हिला रहे हैं? हाँ बोलना यार, इतना झकास प्लान बनाया तूने, अब इस पे मैं क्या बोलूं? मानता ना मास्टर माइंड दिमाग को मेरे। देख तू अपने दिमाग को मास्टर माइंड बोल या कुछ भी बोल, लेकिन मैं तेरे दिमाग को शैतानी दिमाग ही कहूंगा। अब ऐसी बात भी नहीं है फजल मियां, मक्खियों के छत्ते में हाथ डालना हो या हाथी के मुंह से गन्ना छीनना हो, ये तुझे सारे काम आते हैं। हाँ ये अलग बात है कि हाथी से बचने और मक्खी से बचने के लिए फिर तू आता मेरे पास ही है मेरा शैतानी दिमाग इस्तेमाल करने। ये तो ठीक कहा तुमने। अरे यार इसकी आवाज तो कम कर ले, पूरा मोहल्ला सुनता है, इतना लाउड बजता है। अपनी जरीना का फोन है, मैं चला चाय के पैसे दे देना। हाँ आप कहाँ रुकेगा, तेरी मंगेतर की कॉल आती है तो तेरे पर लग जाते हैं। दो घंटे हो चुके हैं, अकबर खान का कुछ नहीं पता। तेरी रिपोर्ट ठीक भी है कि नहीं? यार तुझे क्या लगता है मैंने ऐसी हवा में चीज चलाया? 100% पक्की खबर है। अकबर खान को हीरोइन के कारोबार में जो मुनाफा हुआ ना, उसके वो हीरे खरीद चुका है और उन हीरों को बेचने के लिए इसी रास्ते से वो किसी ताजिर के पास जा रहा है। वो इस रास्ते पर आएगा भी और बेशक लम्हे भर के लिए रुके, वो यहाँ रुकेगा भी क्योंकि यहाँ उसकी महबूबा का घर है। ये सारी बातें तो मुझे बता चुका है, मुझे ये बता कि अकबर खान ने कहीं अपना रूट तो नहीं तब्दील कर लिया है। यार कैसी बातें कर रहा है, उसे कोई ख्वाब आ रहा है कि हम लोग यहाँ हीरो की डकैती मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं? भाई जान पक्की खबर है वो यहाँ आएगा। मेरा खबरी कोई ऐसा वैसा नहीं है, अकबर खान के बहुत करीबी बंदों से ताल्लुकात हैं उसके। वो यहाँ आएगा भी और बेशक लम्हे भर के लिए रुके, वो यहाँ रुकेगा जरूर। तो एक काम कर, तो अपने बंदे को फोन करके एक दफा कंफर्म कर ले। अनवर अकबर खान की गाड़ी की कोशिश उतर उतर उतर। जो ले जाना है ले जाओ, लेकिन याद रखो तो लोग
बात करके ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है, दुबई की फ्लाइट निकल रही है अपनी ना। सब बकवास कर, देश को सब बता दे कि हम क्या कर रहे हैं, चल निकल। फजल जल्दी कर यार, ट्रेन भी पकड़नी है। यार वैसे कमाल का दिमाग इस्तेमाल किया तूने, अकबर खान के सामने दुबई की फ्लाइट पकड़ने का बोलकर अंडरवर्ल्ड के बादशाह को उल्लू का पट्टा बना दिया तूने। मैं जानबूझ के बोला था, मैंने मैं चाहता था कि अकबर और उसके लोगों का ध्यान सिर्फ एयरपोर्ट पे लग जाए और हम लोग रेलवे स्टेशन से फरार। अब रेलवे स्टेशन क्लियर होगा अपने लिए। अकबर खान के आदमी अब नहीं ढूंढ सकते हमें। मानता है फिर अपने यार मास्टरमाइंड को कि नहीं? यार कितनी बार तेरे दिमाग की तारीफ करूं मैं, दुनिया में तुझसे बड़ा मास्टरमाइंड ना मैंने नहीं देखा। इतनी तारीफ काफी है या और करूं? आदाबर्स आदाबर्स। वैसे यार सच्ची बात है, अकबर खान को लूटने का प्लान ना बहुत कोई औसम बनाया तुमने। अरे यार अगर ये प्लान पक्का ना होता ना तो इतने बड़े हाथी के मुंह से गन्ना छीनना आसान काम नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ कामयाबी हुई, अब निकलने की कर। बैटरी हो गया। मैं फोन आ गया, ये ब्रीफकेस पार कर। हेलो। क्या काम से? पता नहीं कभी अपनी लैला के चक्कर से निकलेगा। हाँ मेरी जरीम, मेरी हिरिये कैसी है? फिकर क्यों करती है, आ रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे तू भी बड़ी याद आती है। शाम 4 वाली से आ रहा हूँ तेजगाम से। अबे हमेशा के लिए आ रहा हूँ, तेरे लिए बहुत कुछ ला रहा हूँ, खुश हो जाएगी देख के तू। हाँ फिक्र नहीं कर, पहुंच जाऊंगा। ठीक है चल मैं चलता हूँ। ठीक है बात होती है, अपना भी ख्याल रख। खुदा हाफिज। हाँ सब रोकना, एक मिनट जवाब अनवर को देखो, अकबर के बंदे। अभी काम करें कि आगे से गाड़ी मोड़ के मोड़ ले, मोड़ ले वापस। हमें आधे घंटे में पहुंचना होगा स्टेशन। स्टेशन पहुंचने से ज्यादा जरूरी है यहाँ से निकलना। यार फजल आधे घंटे में ट्रेन निकल जाएगी। अगर वो ट्रेन निकल गई तो हम दूसरी में बैठ जाएंगे और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम आधे घंटे में स्टेशन पहुंच सकते हैं। और अकबर के बंदे शिकारी कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं, वो स्टेशन पे भी होंगे। स्टेशन पे नहीं होंगे, मैंने अकबर का ध्यान एयरपोर्ट की तरफ लगा दिया था। जब वो यहाँ स्टाफ पर उसके बंदे मौजूद हो सकते हैं तो स्टेशन पे क्यों नहीं होंगे? यार तुम इतने कुड़ मगज क्यों हो फजल? ये सड़क भी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, इसलिए उसने बंदे यहाँ खड़े किए हैं। बात को समझ। हाँ खैर ये तो है। निकल गई ना ट्रेन, मैंने तुझे बोला था, अब क्या करें? चलो किसी होटल में बैठ के चाय शाय पीते हैं।
शादी की प्लानिंग भी करते हैं। चल आ जा। हाँ। बड़ी जल्दी देना तुझे ट्रेन पकड़ने की। देख लिया, देख लिया क्या हाल हुआ? स्टेशन से निकलते ही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। अगर हम लोग उसमें बैठ जाते, टाइम पर पहुंच जाते, पता नहीं हमारा क्या, मर ही जाते और क्या। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ हिम्मत होती है। और वो अकबर खान के जिन बंदूक हम मौत का फरिश्ता समझ रहे थे, असल में वो मौत के फरिश्ते नहीं थे, वो हमारे लिए जिंदगी के फरिश्ते थे। तो ठीक कह रहे हैं, मगर हम इन फरिश्तों के शिकंजे में कभी भी आ सकते हैं। हमारे लिए ये शहर इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, हमें फौरी तौर पर निकलना चाहिए यहाँ से। सही कह रहा। तो फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ से हैदराबाद की बस में चलते हैं और हैदराबाद से अपने अपने शहर की ट्रेन पकड़ के हम निकल जाते हैं। वो पीछे हैदराबाद की बस का अड्डा है। ठीक है, चल चाय पी के। चाय पी बल्कि हैदराबाद यार अकबर के बंदों की टेंशन हो रही है मुझे। बस एक बार कराची की हद से बाहर निकल जाए, हैदराबाद पहुंच जाए, तो फिर अकबर के बंदों की कोई टेंशन नहीं है। फजल मुझे तो लगता है कि अकबर के बंदे ना हैदराबाद में भी मौजूद होंगे। कोई छोटी वोटी मार जाती की हम लोगों ने, हमेशा हम छोटा हाथ मार के सो जाए करते थे, ये बहुत बड़ा हाथ मारा है हम लोगों ने। इस तरह चैन से नहीं बैठेगा वो। खैर देखी जाएगी, परेशान भी होता है यार। ये बस हैदराबाद की, आ जाओ। हाँ तूने कैच छोड़ दिया था, वरना मैंने तो मैच निकाल ही दिया था। तू भी कभी और मरवा देता। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। इतनी गर्मी में हार गया यार, जीता हुआ मैच हारे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग भी हैदराबाद जा रहे हैं? हैदराबाद हैदराबाद। जी, और तुम लोग भी? नहीं, हम लाहौर जा रहे हैं, पर हैदराबाद से होते हुए लाहौर की ट्रेन पकड़ेंगे। जब लाहौर जाना है तो हैदराबाद जाने की क्या जरूरत है, कराची से डायरेक्ट चले जाते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे में हमें हैदराबाद में कोई जरूरी काम। हैदराबाद 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 हैदराबाद। आ जाओ भाई आ जाओ। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। ये बस कब चलेगी यार, गर्मी है। तो तूने क्या छोड़ के मैच मरवा दिया, वरना मैं इसी वाली बस में जा रहे थे अभी। लेकिन यार कोच को कुछ तो सोचना चाहिए था। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। हेलो हेलो अनवर, तू कहाँ है इस वक्त? तू कैसा है? तू ठीक तो है ना? पगली क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों है तू? अनवर टीवी में दिखा रहे हैं कराची से आने वाली तेज गांव ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। तू भी तो उसी ट्रेन से आ रहा था ना? तू ठीक तो है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अनवर। क्या हो गया तुझे? मैं नहीं था उस ट्रेन में, मैं नहीं पकड़ सका वो ट्रेन। और बड़ा हादसा नहीं हुआ है, पीछे की एक दो बोगियां गिर गई बस। मैं अभी एक होटल में ठहरा हुआ हूँ, आ जाऊंगा एक दो दिन में, समझी? ठीक है अनवर।
अच्छा फिक्र ना कर, सोने दे, बड़ी नींद आ रही है। खुदाफ़िज़। फजल भाई, हमारी टीम तो कल ही लाहौर चली गई थी, हम दोनों तो यहाँ एक अहम मैच खेलने के लिए रुक गए हैं। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग रुक गए, इस बार हमें मुझे अच्छे दोस्त मिल गए और क्रिकेट के बारे में काफ़ी मालूम है तुम लोगों को, और अगर सच पूछो तो यही वजह है तुमसे दोस्ती की, क्योंकि मुझे क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने अपने घर वालों को फ़ोन चून किए नहीं, क्योंकि वो ट्रेन हादसे की खबर टीवी पे चल चुकी है। हाँ, मैंने होटल जाते ही रात को सबसे पहले घर वालों को ट्रेन हादसे की खबर दे दी थी। अच्छा किया यार, मेरा ख्याल है कि भूख बहुत तेज लग रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, चलें कुछ बाहर से खा कर आते हैं। दिल की बात कर दी आपने मेरे, भूख तो मुझे भी लगी है। चलें सर। अरे क्या कर रहा है भाई, कीमती है। ये क्रिकेट वाले दोस्त तेरे कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक दोनों? और साथ में कोई ग्राउंड है वहाँ, कोई मैच देखने गए। अच्छा तू नहीं गया, तुझे भी तो बहुत शौक है क्रिकेट का। कैसी बातें कर रहा है फजल, तुझे हालात का पता नहीं है, मेरा क्या बाहर जाना मुनासिब होगा इस वक्त? अकबर के आदमी हर तरफ फैले में, हमें फौरी तौर पर इस जगह से निकलना चाहिए। क्या तो ठीक रहा है। अच्छा एक बात बता, ये अकबर से लूटा हुआ माल कितने का होगा? अगर करोड़ रुपए के हीरे हैं तो 50 में तो बिकेंगे, और कोई 20 लाख रुपए कैश है, लगभग 70 लाख रुपए, 35 तेरे 35 मेरे, बुरी डील नहीं है उस्ताद। ओए हेलो, तेरा 50-50 वाला सिलसिला मेरी समझ में नहीं आया। सारे खतरों के काम मैं करूँ, मोटरसाइकिल भी छीननी हो तो वो भी मैं छीन, है तू करता ही क्या घर बैठकर? 20 तेरे 50 मेरे। लगता है बड़ी रकम देख के लालची हो गया साला। इस गधे से बात करना या लड़ना बेकार होगा। इस बेवकूफ को कौन समझाए कि वारदात में प्लानिंग की कितनी अहमियत होती है। सरों पे पिस्टल रख के मोटरसाइकिल छीनने वाले तो दर्जनों मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी प्लानिंग करने वाले को कहते हैं मास्टरमाइंड। इस पर मजीद एतबार करना एक सांप पर एतबार करने के बराबर होगा। फजल खान, अगर अनवर शेर के मुंह से उसका निवाला छीन के ला सकता है तो तू जैसे गधे को घास चराना मेरे उल्टे हाथ का काम है। क्या हुआ अनवर, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि ईमानदारी की बात तो यही है, सारी मेहनत तो तू ही करता है, हिस्सा भी तेरा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कर कि तू मुझे 25 दे दे, और अगर हीरे कुछ ज्यादा पैसों में निकल गए तो 2-4 लाख रुपए मुझे ऊपर दे देना, कैसा? चल ठीक है, 25 दिए, और अगर हीरे अच्छे पैसों में निकल गए तो फिर देख लेंगे। बल्कि काम कर, ये हीरो वाली बेल्ट तो ही रख लेना। क्या हो गया, तू क्या समझता मुझे तुझ पे भरोसा नहीं? और तू कौन सा भागा जा रहा है, तेरे सारे ठिकानों से वाकिफ हूं मैं। बात बिल्कुल ठीक की है तूने फजल खान, मैं ये सब लेकर कहीं नहीं भागूंगा, और वैसे भी चीजें लेकर भागना उठाई गिरों का काम होता है। मैं कोई उठाई गिर नहीं, मास्टरमाइंड हूं। पता नहीं क्या सोचने में लग गया था, सैंडविच एंजॉय कर। अच्छा।
का माल दे चढ़ा यार सवाल। ये और सच्चे मोती हैं। तो ये दो नोट 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 डाल नोट डाल। इसे ऊपर ही रख लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। से पहले कोई झूठे मत बोल, तू जा निकल जा। अच्छा तो इस कमरे में दो नहीं चार मुजरिम ठहरे हैं और इनमें से एक ही मास्टरमाइंड है और वो हूं मैं। फजल साहब अगर तुम्हारी नीयत खराब ना होती और तुम्हारे दिल में ये लालच ना होता तो शायद मैं ऐसा करने का कभी ना सोचता। वाह भाई वाह, पक्की पक्की दावत कर दी, थैंक यू वेरी मच।
खाना बहुत मजेदार है, मजा आ गया, लाजवाब यार। दरअसल हम सुबह वापस लाहौर जा रहे हैं, तो हमने सोचा जाने से पहले आपको एक अलविदाई पार्टी दे दें। बहुत अच्छा सोचा तुमने, मुझे पसंद आया, लेकिन बस और नहीं खाया जा रहा मुझसे भाई, बस। अरे जब सब खा लिया तो ये कोल्ड ड्रिंक भी है, सब कुछ हजम हो जाएगा, आप भी है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक से हजम होगा। भाई मुझे तो खाने के बाद बहुत नींद आती है। हाँ तो ठीक है, आप लोग आराम करें, सही है, सुबह मिलते हैं फिर। हाँ ना, ओके आप सोए, आराम करें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। शबा खैर। अल्लाह हाफिज। मैं तो सो गया। गुड बॉयज। हाँ नींद तो मुझे भी आ रही है। क्या खाना खिला दिया यार, अनवर, 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 तेरा सर चकरा रहा है यार, मेरा भी सर चकरा रहा है यार। सालों ने कुछ मिला के पिला तो नहीं दिया हमें। घटता है चले गए, भाग कैसा है रामजादे यहां से, और हमारा बैल भी ले गए वो। जिस दिन मिल गए ना, जिस दिन मिल गए इनको जान से मार दूंगा मैं, काट कर जा दूंगा इन रामजादे को। इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया उन हरामजादों ने, ये मिल जाए मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा सालों को, जान से मार दूंगा इन्हें। अब यहां ठहरने का कोई फायदा नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है, बस लाहौर की बस में बैठना है बस मुझे। तो ठीक कह रहे हैं, अब घर ही जाना चाहिए। वो सुअर के बच्चे हमें लूट कर चले गए, वो तो शुक्र है कि मेरी जेब में 5,000 का नोट डालकर चले गए वो हरामजादे। मेरा शुक्र अदा कर, मैंने इस होटल वाले को 5,000 रुपए एडवांस दिए थे, अब क्या करें ये बता मुझे। करना क्या है, अपने अपने गांव चलते बस। ठीक है,
मैं तुझे लाहौर वाली बस में बिठा के अपने गांव की तरफ निकलता हूँ।